हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे चाइनीज स्टाइल फ्राइड राइस रेसिपी। तो आज का फ्राइड राइस हम वेज फ्राइड राइस बनाने वाले, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका लुक देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना बढ़िया बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं, इसे किस तरीके से बनाना है। इसी कप से मैंने 3 कप बासमती चावल लिए हैं। अच्छी तरह से क्लीन करके हमें इसे भिगो के रखना है। आधे घंटे के लिए हम इसे भिगो के रखेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम चावल पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाएंगे, तो इसलिए हमें इसे भिगो के रखना है। और फिर मैंने यहाँ इतने मसाले लिए हैं, कार्डमम लिया है, लौंग ली है, सिनेमन स्टिक ली है, और आपको यहाँ बेलीफ भी लेनी है। मैंने यहाँ नहीं ली, बट आप जब इस तरीके का चावल बनाएंगे तो बेलीफ डालना मस्ट है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो इन सब मसालों को अब हम पानी में डाल देते हैं। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा पानी लिया है, और इसे जब उबाल आएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे, और फिर इसमें जाएगा ऑयल। तो यहाँ मैं 1 स्पून ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे उबालने के लिए रख देते हैं। आप इसी स्टेज पर इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ी देर के बाद डालने वाली हूँ। आप जब लेमन जूस और ऑयल इसमें डालेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाला है, नमक हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। तो देखिए, इस तरीके के चावल बन चुके हैं। तो अब हम इस चावल को पानी में डालेंगे, और इसे हमें हाफ बॉयल ही करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं। जब हम फ्राइड राइस बनाएंगे उसके साथ हाफ पक जाएगा, तो अभी हम इसे हाफ ही पकाएंगे। और गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है, हाई गैस के फ्लेम पे ही हम इसे उबालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि जो चावल है वो नीचे चिपक ना जाए। तो इसीलिए इस तरीके से इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमारे चावल खिले के लिए नहीं बनते, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि जब आप इस तरीके से हाफ बॉयल करके चावल रखेंगे तो 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रखिए। 2 घंटे के बाद जब आप फ्राइड राइस बनाएंगे तो चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ मैंने लेमन जूस ऐड किया है, आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हो चुका है, तो हम इसमें से जो पानी है वो निकालेंगे। तो पहले मसाले आएंगे तो इसे हम साइड में रख देंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। और जो राइस का पानी होता है वो हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसे पूरा दिन पी सकते हैं, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ मैंने इतनी सारी सब्जियाँ ली हैं, आपको किस तरीके की सब्जी पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कैरेट लिया है, कैबेज लिया है स्मॉल पीस में कट कर लिया है, स्प्रिंग ऑनियन लिया है, ग्रीन चिली 1 ली है, बीन्स लिया है, रेड येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम लिया है, और यह 1 स्पून कटा हुआ लहसुन लिया है, और आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सब सब्जियाँ 2-2 स्पून ली है, लेकिन आप कितनी क्वांटिटी में फ्राइड राइस बना रहे उसी पे डिपेंड सब्जियाँ लेना। तो यहाँ मैंने बड़ा सा लोहे का तवा लिया है, और उसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है। आपके पसंद से आप किसी भी तरीके का ऑयल डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, कटा हुआ लहसुन। आपको पता ही है कि जब हम चाइनीज डिश बनाते हैं तो गैस की फ्लेम हाई रखनी पड़ती है, और हाई गैस के फ्लेम पर ही हमें इस सब्जियों को फटाफट से भूनना पड़ता है। हमें इसे पकाना नहीं है, हम जस्ट इसे भूनेंगे, क्योंकि इसका क्रंच जब हम चावल खाएंगे उसके साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो इसलिए हम हाई गैस के फ्लेम पे इसे फटाफट से भूनेंगे। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें पनीर डालना पसंद है तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपने इसमें डार्क सोया सॉस डाला तो चावल का कलर चेंज हो सकता है, और अगर आपने माइल्ड कलर का सोया सॉस डाला तो कलर नहीं चेंज होगा इतना। तो आज मेरे पास डार्क कलर का सोया सॉस है, तो इसलिए चावल का कलर डेफिनेटली चेंज होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल कितने खिले खिले बने हैं, और इसे मैंने फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए।
और फिर मैं इससे फ्राइड राइस बना रही हूँ। इसी तरीके से बनाने से क्या होता है कि चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले रहते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्च पाउडर हमने इसमें डाली है, पहले हमने हाफ स्पून डाली थी। और इसी में मैं डाल रही हूँ 1 स्पून सोया सॉस। मैंने जो सोया सॉस डाला है वो डार्क कलर का है। अगर आपको सफ़ेद कलर के चावल का फ्राइड राइस सिर्फ देखना पसंद है, खाना पसंद है, तो आप इसमें ब्लैक पेपर की जगह वाइट पेपर डाल सकते हैं। और जो सोया सॉस हम डाल रहे हैं वो माइल्ड कलर का डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि चावल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम इसे गैस पर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अभी तक गैस हाई स्पीड पर ही है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। तो अभी ये परफेक्ट बन चुका है, हो चुका है, तो लास्ट में हम स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। कैबेज और स्प्रिंग ऑनियन इस फ्राइड राइस के लिए चाहिए हमें। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। और चावल मिक्स करने के लिए इसी तरह का उड़न स्पैचुला आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि चावल टूटते नहीं हैं। देखिए फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया बना है। देखते ही खाने का मन कर रहा है, इतनी बढ़िया खुशबू यहाँ फैल चुकी है। परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वेज फ्राइड राइस बन के रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इससे पहले मैंने जीरा राइस की रेसिपी और एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी अपलोड की है, आपने देखी नहीं तो प्लीज़ दोनों ही रेसिपी आप देखिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।